हेलो, आई एम फाल्गुनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कैश्यू सैंडविच, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने काजू को रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड काजू लिया है। मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं, उसको भी मैंने पीस लिया है। एक बाउल में काजू का पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास सॉल्टेड काजू नहीं है और प्लेन काजू है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। डाइजेस्टिव बिस्किट का चूरा डाल देती हूँ। मैंने सॉल्टेड काजू लिए हैं, इसीलिए मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अगर आप प्लेन काजू यूज़ कर रहे हो तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें। रेड क्रैनबेरीज डाल देती हूँ, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। कंडेंस मिल्क डाल देती हूँ। कंडेंस मिल्क के ऑप्शंस में दूध और शक्कर या तो गुड़ का गाढ़ा पानी भी डाल सकते हैं, पर कंडेंस मिल्क का जो टेस्ट और टेक्सचर आता है वो दूध, शक्कर और गुड़ के पानी में नहीं आता। तो हो सके तो कंडेंस मिल्क डालने की ही ट्राई कीजिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं थोड़ा हनी डाल रही हूँ। मुझे बाइंडिंग के लिए कुछ स्टिकी सब्सटेंस चाहिए, इसीलिए मैं हनी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कंडेंस मिल्क से भी बाइंडिंग तो हो जाएगा, पर टेस्ट में थोड़ा ड्राई लगेगा। अगर हनी डालेंगे तो एक ज्यूसीनेस आ जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे हम बेकिंग ट्रे में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली हुई है, उसको मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अभी हमारा ये काजू और कैनबेरी का मिक्सचर इस पे डाल देते हैं और इसको स्पैचुला से स्प्रेड कर देते हैं। थोड़ा हाथों से स्प्रेड कर लेती हूँ।
कैश्यू और क्रैनबेरी का। ये बन गए हमारी चॉकलेट कैश्यू सैंडविच। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और साइड में दिए गए आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है। तो दिल से बनाओ, दिल से खाओ।